हेलो दोस्तों, एक्सीड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, यूपीएसआई परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मूल विधि। ये यूपीएसआई परीक्षा का जो सिलेबस है उसका एक ऐसा हिस्सा है जिसको लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा भय होता है। बच्चे इससे बहुत डरते हैं कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगामी जो परीक्षा है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके इस भय को, आपके मन में जो ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है, उसका समाधान करने के लिए एक्सीड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जो आपको न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध है। ये पुस्तक इस समय मेरे हाथ में है। मैं आपको अगर पुस्तक के पहले मैं इसकी जो फिजिकल विशेषताएं हैं अगर उनकी बात करूं तो इस पुस्तक में 150 पेज हैं। ये जो है 150 पेज की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें मूल विधि का पर्याप्त मैटर दिया गया है। पर्याप्त इन द सेंस जो यूपीएसआई के एग्जाम में जो मूल विधि में पूछा जाएगा आपसे, यानी जो मूल विधि का वो सिलेबस जो यूपीएसआई की परीक्षा के लिए है, उसके लिए ये पर्याप्त, ठीक है, मैटर इसमें आपको दिया गया है। किताब को बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप बनाया गया है, ठीक है। मैं किताब के अंदर की जो विशेषताएं हैं अभी उन पर भी बात करने वाला हूं। हाँ, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये पुस्तक आपके जो नजदीकी दुकान है, दुकान के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, ठीक है। ये तो इसकी हो गई बाहरी विशेषताएं ना, किताब के मैं फिजिकल जो इसका व्यू है उसके बारे में मैंने बात किया। अब हम इसके आंतरिक भाग की बात करते हैं। अगर हम इसके आंतरिक भाग की बात करें तो आप देखिएगा, ये तो देखिए पूरी पुस्तक को जो यूपीएसआई का सिलेबस दिया गया है, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है एकदम उसके अनुकूल बनाया गया है। ये देखिएगा, ये इसका पूरा इंडेक्स है, ठीक है, जो भारतीय दंड संहिता है उससे लेके पूरे सिलेबस को 15 हेडिंगों में विभाजित किया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। इसी सिलेबस के हिसाब से, इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरी पुस्तक को रखा गया है, ठीक है। मैं एक एक दो अध्याय लेके उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, ये पहला अध्याय है आपका जो मूल विधि का सिलेबस है, उस सिलेबस का जो सबसे पहला अध्याय है वो है दंड संहिता, ठीक है, जिसमें आपकी आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में एक मिनट, ठीक है, मैं बात करता है। ये पहला अध्याय है जिसमें जो है आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित पूरी धाराएं लिखी गई हैं। ये देखिए आप लोग, ये जितनी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जहां से यूपीएसआई की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये पूरी पुस्तक देखिएगा। ये पहला पेज है, आप बढ़ते जाइए, ये पेज नंबर 2 है पुस्तक का, ठीक है। पुस्तक को 20 से 2 भागों में बांटा गया है, आप देखेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि ये धारा नंबर 40 के बाद ये यहाँ 80 कैसे है, क्योंकि पुस्तक को 20 से 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, अगर हम एकदम जाएं इस अध्याय के एकदम आखिरी में जाएं, ये पहला अध्याय है, लगभग ये 28 पेज में है,
जो आईपीसी वगैरह है ये आपका 28 पेज में है। अगर हम जाएं इसके अंतिम में जाएं, ये सारी धाराएं देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ठीक है, जिनसे मूल विधि में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी धाराएं यहां पर दी गई हैं। थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, चलिए कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज एक मिनट वेट कर लीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है वहां पे, ठीक है। हाँ ये देखिए आ गया मैं, ये देखिए, जैसे पहला अध्याय आपको पूरे पहले अध्याय की पूरी थ्योरी आपको बताई गई, उसके बाद ये देखिए विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, विगत वर्षों में यूपीएसआई की परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, उनका पूरा कलेक्शन दिया गया है। ऐसा हर अध्याय में है। अभी मैं ये केवल पहले अध्याय की बात कर रहा हूं जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में लिखा गया है। अब आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित यूपीएसआई के परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, वो सारा यहां पर दिया गया है, ठीक है। देखिए ये यूपीएसआई 2017 में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, ये देखिए जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, देखिए सब एग्जाम का नाम दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के बाद एग्जाम का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, कि ये कब पूछा गया है, जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है, किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं जाता है। ये देखिए यूपीएसआई 2014, मतलब यूपीएसआई 2017 के साथ यूपी एसआई 2014 का मेंस था, जो 2011 का प्री है, मतलब यूपीएसआई की परीक्षा में आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और मूल विधि से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है सबको इस पुस्तक में समाहित किया गया है, ठीक है। अब ये तो हो गए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बात। अब देखिए ये यहां पे इसकी उत्तर माला दी गई हो, ठीक है, थ्योरी दी गई है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा वो यहां पर दिया गया है। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद जो आपको दिया गया है, ये देखिए ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर बहुत कम पब्लिकेशन वालों ने काम किया है, क्या, आगामी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से एसआई के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा आगामी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न इस अध्याय से और बन सकते हैं उनके बारे में यहां बात की गई है। ये देखिए ये सारे प्रश्न जो है एक्सीड पब्लिकेशन की जो टीम है उसके द्वारा डेवलप किए गए हैं कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये केवल एक अध्याय के बारे में मैंने आपको बताया है, पहला अध्याय जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए अगर ये दूसरा अध्याय, ठीक है, महिलाओं बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। अब इससे संबंधित जितनी भी धाराएं हैं, ये देखिए धारा एक, धारा दो, धारा तीन, जितनी भी धाराएं होंगी 10, 20, 25, 50, सारी धाराओं को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ऐसा ही, ये तो मैंने आपको दो अध्याय का सैंपल दिखाया, ऐसा ही 15 अध्याय में पुस्तक को बांटा गया है। पूरी पुस्तक 15 अध्याय में बटी हुई है, प्रत्येक अध्याय में तीन पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि उस अध्याय से संबंधित जो थ्योरी है, जो धाराएं हैं, वो बताया गया है। दूसरे हिस्से में यूपीएसआई के प्रीवियस एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनका कलेक्शन और उनका सही उत्तर क्या है वो दिया गया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आगामी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये एक्सपर्ट टीम के द्वारा मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया गया है, ठीक है। कुल 150 पेज हैं और इस पुस्तक पे जो इसका प्राइस लिखा हुआ है
ठीक है, अंकित मूल्य एमआरपी वो मात्र 90 रुपया लिखा हुआ है। अब इस पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, आपका जो लोकल दुकानदार है वो आपको कितना डिस्काउंट देगा, ठीक है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये किताब आपको 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए में मिल जाएगी। और इतने कम मूल्य में इससे अच्छा कंटेंट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप सभी लोग परचेज कर लीजिए। पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आपके नजदीकी दुकान पर भी उपलब्ध है, और इसका अध्ययन करिए। मूल विधि से आपको डरने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, मूल विधि से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके डर का जो पूरा समाधान है वो एक्सीड पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, लोगों को बताइए। हम बार बार कहते आए हैं कि आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो सपना है, उसमें हर कदम पर हम लोग आपके साथ हैं। जो एक्सीड परिवार है वो हमेशा, ठीक है, न्यूनतम मूल्य पर आपके साथ लगा हुआ है। ठीक है, हर चीज का एक न्यूनतम मूल्य होता है। ठीक है, बुक को लिखवाने के लिए जो लोग हैं, जो पेपर वर्क है, ठीक है ना, उन सबका जो न्यूनतम मूल्य लगता है उस पर आपको पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो पुस्तक को आप लोग परचेज कर लीजिए मार्केट से, इसको पढ़िए। ठीक है, ये पुस्तक जो मूल विधि की समस्या है उसका जो है अल्टीमेट सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।